सर जल्दी फिल्म भाईजान का ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है, एक्साइटेड है आप? जी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अगर आप देखें तो पूरी तरीके से माहौल जो है अब पूरा भाईजान वाला माहौल क्रिएट होने लग रहा है। मतलब देखिए मार्च आ चुका है, एक तरह से आप ये कह लीजिए अब कि अब मार्च ऑलमोस्ट आधा होने वाला है, अब आप ये कह लीजिए लगभग आधा होने वाला है। और कुछ दिनों में हमको तीसरा गाना देखने को, एक और गाना हमको देखने को मिलने वाला है, तीसरा वाला मैं ऑलरेडी उस बारे में बात कर चुका हूँ। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भाईजान के ट्रेलर के बारे में, किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर जबरदस्त आने वाला। पूरी तरीके से भाईजान फिल्म का माहौल हो चुका है पूरी तरीके से अगर आप देखें तो। हालांकि अब तो और भी सारे न्यूट्रल ऑडियंस और कई सारे लोग अब भाईजान को लेकर बात करने लग रहे हैं और वो एक्साइटमेंट लोगों में जनता में आम जनता में देखने को मिले, रील्स वगैरह बनने लग रही। लेकिन अगर आप लोग देखें तो जब ये फिल्म नहीं आ रही थी कोई अनाउंसमेंट नहीं था कुछ नहीं था, टाइगर 3 तो थी नहीं, तो सलमान भाई की फिल्म कितने दिन पहले आई थी, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो सलमान भाई का फैन बेस ऐसा अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर ट्विटर या और भी जगहों पर अगर आप चले जाए तो ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है इस मामले में, इसलिए मैं ट्विटर का एग्जांपल दे रहा हूं। उस पर अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पर है योगेश करके हैं, देखिए अगर आप देखें तो वो हमेशा लगे रहते, उनको मैं हमेशा देखता रहता हूं ट्विटर पर पूरे टाइम, वो हमेशा से ही देखने को मिलता है, वो पोस्ट करते रहते कोई ना कोई बात करते रहते सलमान खान की फिल्मों के बारे में, उनके बारे में, वो किसी इवेंट में गए उनके बारे में, कोई टूर चल रहा उनके उसके बारे में, हाँ कहीं उगर उनको कोई अवार्ड मिला वो उसको लेकर करते रहते। एक डेविल विशाल करके हैं, वो मेरे ख्याल से उनके किक वाले कैरेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वो उस वजह से उनका डेविल वाला नाम रख के रखा उन्होंने डेविल विशाल करके। उनके भी अगर आप देखें 31,000 से ऊपर उनके फॉलोवर्स हैं, तो वो मतलब इतने वो करके पूरी तरीके से लगे रहते और एकदम जी जान से लगे रहते सलमान खान के लिए, मतलब इस लेवल के फैंस और वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक हुड़हुड़ दबंग करके उन्होंने नाम रख के रखा हुआ, वो भी ज़बरदस्त लगे रहते हैं। मतलब ये लोग मतलब जिस प्रकार से लगते हैं तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। एक पाकिस्तान से एक सरमद सलमान करके उन्होंने अपनी आईडी का नाम रखा हुआ, सरमद है वो पाकिस्तान से, वो भी लगे रहते। मतलब सलमान भाई का फैन बेस देखिए आप सिर्फ इंडिया ही नहीं पाकिस्तान में भी, मतलब और 24 घंटे पूरे टाइम लगे रहते और जो शिद्दत से लगे होते उनको देख के लगता है कि वाकई में ये लोग मतलब फैंस है सलमान भाई के पूरी तरीके से, ज़बरदस्त देखने को मिलता है। मतलब इन लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है कि भाई देखिए ये लोग किस प्रकार से मतलब लगे हुए हैं, इवन जबकि कुछ नहीं था। अभी तो मैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ अभी तो रील्स वगैरह नहीं हो लगता, पर रील्स बन रही है बिल्ली बिल्ली पर रील्स, तो अब तो आम जनता भी करने लग रही, लेकिन ये लोग तब से मौजूद रहे हैं। और ये अगर आप लोग देखें तो मैं भी कब से वीडियोस बना रहा हूँ उस चीज़ को लेकर करता रहता हूँ, पर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं यूट्यूब पर ही मेनली ज़्यादा ये चीज़ करता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर इन लोगों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल के रखा है, खास तौर से सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो डेविल विशाल और योगेश, ये दो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है। ये लोग मतलब जिस प्रकार से लगे रहते हैं पूरी तरीके से जब कुछ नहीं रहता है तब भी, तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है, चीज़ देख के खुशी आती है, तो मज़ा आएगा। मैं उम्मीद है भाईजान का ट्रेलर जल्दी देखने को मिल जाए तो और माहौल पूरी तरीके से हो जाए और इंस्टाग्राम और सभी जगह पर माहौल सिर्फ सलमान भाई का ही छा जाए।